संरचना इन सभी जीवों से भिन्न होती है। इसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी होता है, कालांतर में किसी अन्य प्रकार के कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जैसे घर जो समाप्त ठंडे मौसम में उष्मा रोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो। ठीक है, वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में समाप्त पक्षियों ने पयों को उड़ने के लिए अपनाया और यही पर धीरे 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 पंखे में कन्वर्ट हो गया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से समझते। ठीक है, अब यह जानना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाले संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती है। यह सत्य है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचन हमें यह अनुमान लगाने में सहायता हो सकता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। और इस प्रक्रम के उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यह जंगली गोभी इसका एक उदाहरण है। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा से विभिन्न सब्जियां विकसित की, परंतु यह प्राकृतिक वर्ण न होकर कृत्रिम चयन हुआ। प्राकृतिक तो चयन नहीं हुआ, किसान स्वयं से उगाता चला गया तो कृत्रिम हो गया। उसको खुद कोशिश किया तो खुद से उगाया तो बचाना शुरू किया। कुछ किसान इसकी पत्तियों की दूरी को कम करना चाहते थे, पत्ता गोभी का विकास हुआ जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों के जिसको ब्रोकोली इसको फूल गोभी कहते थे, अर्थात बंद गोभियों से फूल गोभी विकसित हो गई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, आठ गोभी विकसित हो गई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों की पसंद किया, खेल नामक सब्जी का विकास हुआ। इस प्रकार ऐसा हुआ कि कई तरह की जातियों का उद्भव हो गया। ठीक है, आ गया जंगली गोभी था, केलो आ गया पत्ता से, गांठ गोभी आ गई, फूल गोभी आ गया है ना, पत्ता गोभी आ गया, अब देखिए लाल गोभी आ गया। तो इस प्रकार विकासीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। वह विचार था कि जनन के होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पेसीज के डीएनए की संरचना की तुलना में हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पेसीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर उपयोग हो। अब आणविक जाति वृत्त समझे। कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आता है जो नए डीएनए से बनेगी। दूसरी बात यह हुई कि यह परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाते हैं। क्या इस समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि यह परिवर्तन किस समय हुए। आणविक जातिवृत्त वास्तव में यही कहता है। इस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होती हैं। इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को खोजते हैं तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्त द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण से सुमेलित होते हैं, जिसके विषय में आप जैव विविधता में पढ़ चुके। क्लियर हो गया। और विकास को प्रगति की समन्वय मानना चाहिए। प्रगति अलग है, विकास अलग। वंश वृक्ष की कवियां ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रक्रम के शाखाएं संभव है। अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए। यह एक नई स्पीसीज के देखा गया था कि नई स्पीसीज की उत्पत्ति के लिए आवश्यक कि पहली विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। जैसे गोभी के केस में देखें तो केवल प्राकृतिक संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहले स्पीसीज के साथ जनन में असमर्थ है। तो इस प्रकार अब ये जैसे देखिए मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ। वगन पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों ही पूर्वज समान थे, न चिंपैंजी थे न मानव की तरह थे, दो अभिन्न बन गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्रमिक विकास होता चला गया और क्रमिक विकास का परिणाम हुआ तो चयनात्मक। आप कहिएगा कि चयनात्मक जो है
वो जो अवशेष बचते चले गए, जो जीव बचते चले गए, जो अस्तित्व में गए, वो उनकी एक अलग अलग जाति उद्भिद उद्भव होती चले गए। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है, वेदताओं की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा इसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो यह है कि समय के साथ साथ शारीरिक विकल्प की जटिलता में वृद्धि, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्व अविकल्प अदक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अविकल्प आज भी अस्तित्व में है। वास्तव में सरलतम अविकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरना, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ से भी पाए जाते हैं। देखिए कहाँ कितना ठंडा में है, कोई कितना गर्म, तो यह भी एक जैव विकास की एक लंबी श्रृंखला का परिणाम। मानव विकास, तो यह भी जैव विकास में सबसे ज्यादा जिज्ञासा होगी कि भाई मानव का विकास कैसे हुआ, तो आप इसका भी पता हम जीवाश्म के अध्ययन से लगाते हैं कि जो डीएनए अनुक्रम का निर्धारण है वो मानव विकास के अध्ययन के लिए मुख्य साधन है। यह ग्रह पर मानव के रंग रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती है। किसी का बाल आप देखते हैं काला है, किसी का बाल लाल होता है, किसी का बाल सफेद होता है। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों को ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, का काला होता है, कुछ का सफेद या भूरा होता है। लंबे समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आवासीय समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि इन आवासीय प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं होता, सभी मानव एक ही स्पेसीज के सदस्य हैं। ठीक है, जहां जो रहे हैं, जिस क्लाइमेट में रहे हैं, उस क्लाइमेट का इफेक्ट उनके रंग रूप आदि पे हुआ है। जैसे आप यह देखेंगे कि आधुनिक मानव स्पीसीज जो होमो सेपियंस हैं, वह सर्वप्रथम सदस्यों को वहीं पर खोजा गया था, कहाँ, अफ्रीका में। हमारे अनुवांशिक छाप को कालांतर में अफ्रीकी मूल में भी खोजा जा सकता है। चार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहां के मूल निवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह संसार में फैल गए। अफ्रीका से पसता वहां से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया में फैल गए। वहां से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों तथा फिलीपींस से आसक तक का ये वेविंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका भी पहुंच गए। फोन नहीं करते थे, है ना, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया, मुख्य उद्देश्य था। विभिन्न समूह में कभी आगे तथा कभी पीछे गए, कोई कहां छूट गया, कोई समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, जो जहां जिसको जगह मिला वहीं रह गया। कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस जाकर परस्पर मिल गए। जाने आने का यह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह ही इसकी उत्पत्ति जैव विकास की घटना मात्र ही है, जहां वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। जो जहां गए वहीं रहना शुरू कर दिया। इस प्रकार जैव विविधता और आनुवंशिकता को अब डिटेल में समझ गए।